आज की खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कोई भी धर्म, जाति या मजहब शिक्षा से ऊपर है? क्या विचार हैं आपके, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ भगवाधारी छात्र एक मुस्लिम लड़की को घेर कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जवाब में वह लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। इस वीडियो में खासियत यह है कि उस लड़की ने अपने सर पर हिजाब पहन रखा है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से कर्नाटक में हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जाने पर विवाद चल रहा है। 1 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में कुंडापुरा कॉलेज की कुछ छात्राओं को क्लास अटेंड करने से रोका गया। इन 28 छात्राओं ने हिजाब पहन रखा था, इसी कारणवश उन्हें क्लास अटेंड नहीं करने दी। छात्राओं ने कोर्ट में याचिका दर्ज करी और साथ ही साथ कॉलेज के गेट पर भी प्रदर्शन किया। छात्राओं ने याचिका में लिखा कि इस्लाम के अनुसार उनका सर पर हिजाब पहनना अनिवार्य है, इसलिए हिजाब पहनकर उन्हें क्लास अटेंड करने की अनुमति दी जाए। मंगलवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुरान के आयत 24.31 और आयत 24.33 के अनुसार महिलाओं का सिर पे घूंघट लेना या फिर दुपट्टा ढकना अनिवार्य है। वकील ने यह भी बताया कि औरतों का सर ढकना एक धार्मिक कार्य है। इस बात पर जज ने कोर्ट में कुरान की एक प्रति भी मंगवाई। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पूरे मामले पर कैबिनेट मीटिंग भी बुलवाई है और 3 दिन तक कर्नाटक के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश भी दिया है। मलाला यूसुफ ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि औरतों को हिजाब पहनकर कॉलेज जाने से रोकना गलत है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में एक हैशटैग जारी किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लिखा कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार दिया है, वो जो चाहें वो पहन सकती हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि जिन औरतों को हिजाब पहनना है वह पाकिस्तान जा सकती हैं। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि स्कूल और शिक्षा संस्थानों में मजहबी कपड़े पहनना गलत है और यह भारतीय एकता के लिए खतरा है। यह खबर सुनाने से पहले हमने आपसे एक सवाल किया था, क्या धर्म और मजहब शिक्षा से ऊपर है? यह जवाब देने से पहले आप जरूर सोचिएगा, स्कूल और शिक्षा संस्थानों में यूनिफॉर्म अनिवार्य क्यों होती है? इसका सीधा सीधा जवाब है, यूनिफॉर्म अनिवार्य इसलिए होती है ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार का आपसी भेदभाव ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए, किसी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हिजाब या भगवा धारण करके आ रहे हैं तो स्कूल का माहौल कैसा होगा? एक ओर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे हैं भाई भाई, दूसरी ओर बच्चों को भगवा और हिजाब धारण करके स्कूल भेजा जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।